हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश के युवाओं को सेना में जाने के लिए एनसीसी के तहत मंजूर की गई 3 कंपनियों से अत्यंत प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रविवार को बचत भवन में आयोजित करगिल विजय दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम शौर्य दिवस की अध्यक्षता करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इसके तहत छात्र छात्राओं को परिश्रम कर सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत सेना में जाने के लिए सुगमता होगी। एनसीसी जहां छात्रों में अनुशासन व एकता का भाव पनपता है, वहीं देश के लिए लड़ने का जज्बा भी पैदा होता है। उन्होंने कहा कि देश की सेना में प्रदेश के युवाओं को अधिकारी सैनिक के रूप में प्रवेश कर देश सेवा का अवसर मिले, इसके लिए जिला मंडी में सरकाघाट के बक्षयाड़ में सरकार ने सैन्य अकादमी खोलने को मंजूरी दी है। उन्होंने रविवार को बचत भवन में सैनिकों के छाया चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उन्होंने करगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित भी किया। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने अपने संबोधन में करगिल युद्ध की विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा मुख्य अतिथि का स्वागत किया। आज ही के दिन आज से 21 वर्ष पूर्व करगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो है विजय प्राप्त की थी। जब वहाँ पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था, इस 26 जुलाई के दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में अर्थात शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ये कार्यक्रम जिला स्तर पर जो है वो यहाँ पर मनाया गया, क्योंकि ये कोरोना वायरस की स्थिति में बड़े समागम नहीं हो पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है, इसलिए छोटे स्तर पर जो है वो कुछ ऐसे जो शहीद हमारे हुए थे उनके परिवारजनों को बुलाया गया और कुछ हमारे अधिकारी अन्य लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव आए। इस कार्यक्रम में हमारे नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर तथा सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जानते हैं, साथ ही वीरभूमि भी है। इस कारगिल विजय दिवस विजय के अवसर पर सारे देश के 527 जवान अधिकारी जो हैं वो शहीद हुए थे, जिनमें से 52 अधिकारी और जवान हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, और उन 52 में भी पूरे हिंदुस्तान से उस युद्ध के समय 4 परमवीर चक्र जो हैं वो प्रदान किए गए थे वीरता के लिए, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है आर्मी का, सेना का। उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के जवानों को प्राप्त हुए थे, एक मरणोपरांत विक्रम बत्रा जी को और दूसरा जो है वो हवलदार जो थे उस समय संजय कुमार, जो आजकल सूबेदार मेजर हैं आर्मी में, उनको जो है वो प्राप्त हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के लिए तो गौरव की बात है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो वीर भूमि है। पहला परमवीर चक्र भी हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश के सपूत सोमनाथ शर्मा जी को जो है वो प्राप्त हुआ था, और अब वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश से जो है वो युवाओं को सेना में अधिकारी या कर्मचारी सैनिक के रूप में जो है वो काम करने का मौका प्राप्त हो, इसके लिए एक सैनिक एकेडमी जो है वो खोलने को मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो सरकाघाट के बक्षयाड़ में खुलेगी। इसके अतिरिक्त एनसीसी में भी जो है वो 3 कंपनियां जो है वो नई मंजूर की हैं, कॉलेज स्कूल खुलेंगे तो उसमें जो है वो और अधिक संख्या में जो है वो एनसीसी में भी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो उसमें भाग ले सकेंगे, क्योंकि सी सर्टिफिकेट एनसीसी का अगर प्राप्त होता है तो सेना में कमीशन ऑफिसर के लिए उनको जो है वो आसानी रहती है। तो इसलिए प्रोत्साहन जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में दिया जा रहा है, अनुशासन भी बनता है और देश के लिए लड़ने का एक जज्बा जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्वाभाविक रूप से है, उसको बढ़ने की दिशा में जो है वो ये शौर्य दिवस के कार्यक्रम जो है वो उससे प्रेरणा प्राप्त होती है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से जया शर्मा।